नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। बुडापेस्ट में हो रहे विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर में भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर। टेबल टेनिस डबल्स में भारत की जोड़ी मनिका बत्रा और साथियान गणशेखरन ने फाइनल मुकाबले में हंगरी की जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। मनिका बत्रा और साथियान गणशेखरन का मुकाबला 94 रैंकिंग वाली हंगरी की डोरा मादाराज और नंदोर सेस्की के साथ हुआ, जिसमें मनिका और साथियान ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। आपको बता दें कि भारतीय जोड़ी ने 3-1 से जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने 11-9, 9-11, 12-10 और 11-6 की स्कोर लाइन में मैच को अपने नाम किया है। ये जीत दोनों के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि मनिका अक्सर दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल के साथ खेलती नज़र आती हैं, मगर इस टूर्नामेंट में उन्होंने साथियान के साथ उतरने का फैसला किया, जो भारत को खिताब जिताने में मददगार साबित हुआ। आपको बता दें कि ये जोड़ी इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी साथ उतर चुकी है, मगर वहाँ इस जोड़ी ने कुछ भी खास कमाल करके नहीं दिखाया और पहले ही राउंड में हार कर बाहर हो गए थे। यकीनन इस जीत से दोनों को ज़रूर विश्वास मिला होगा और अब दोनों आगे भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। अगर बात करें मनिका बत्रा की, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया था, मगर उन्हें सेमीफाइनल में हार मिलने की वजह से महिला सिंगल इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला 18 वर्षीय एलिजाबेथ अब्रामियन से हुआ। इस मुकाबले में 18 वर्षीय एलिजाबेथ भारत की मनिका बत्रा पर भारी पड़ी और उन्हें सेमीफाइनल में हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।